हेलो तो बच्चों कैसे हो आप आज का हमारा विषय है हिंदी और उसका टॉपिक है बड़ी की मात्रा वाले शब्द सो so स्टूडेंट्स पहले के वीडियोस में हमने बड़ी की मात्रा कैसे लिखते हैं उसका उच्चार कैसे होता है ये सब देखा था फिर हमने बड़ी की मात्रा वाले दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले भी शब्द देखे थे और आज हम बड़ी की मात्रा वाले चार अक्षर वाले शब्द देखेंगे सो so, सबसे पहले उसे कैसे बोला जाता है हम वह देखेंगे तो ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अ फिर है ल म मकवा तो की मात्रा लगी तो बना र को बड़ी की मात्रा लगी तो बना री अलमारी फिर द द को बड़ी की मात्रा लगी तो बना दी प पकआ प, की मात्रा लगी तो बना पा व फिर ल, ल को बड़ी की मात्रा लगी तो बना ली दीपावली अलमारी दीपावली फिर है ग और ये ग को कौन सी मात्रा लगी हुई है छोटी की या बड़ी की तो ये ग को छोटी की मात्रा लगी हुई है तो इसका उच्चार क्या होगा घी ल ह, र, र, को बड़ी की मात्रा लगी तो री किल हरी फिर है त, क ल ल को बड़ी की मात्रा लगी तो बना ली फ तकलीफ तो बच्चों कोई भी अक्षर को को कोई भी मात्रा लगती है तो उसका उच्चार उसके जैसे हो जाता है जैसे माँ को आ की मात्रा लगी तो ये बन गया माँ और र को बड़ी की मात्रा लगी तो बन गया री तो ये हमने अलमारी दीपावली गिलहरी तकलीफ आज हम ये चार अक्षर का उच्चार उसको कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं हम वह सीखेंगे सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिर लिखा म आ म की मात्रा लगी तो बना मा, र, र, को बड़ी की मात्रा लगी तो बना री तो पूरा क्या बना अलमारी सबसे पहले हमने लिखा अ फिर आएगा ल फिर न, म आ म की मात्रा लगी तो बना मा, र, र को बड़ी की मात्रा लगी तो ये क्या बना री फिर पूरा शब्द क्या बना अलमारी फिर हम लिखेंगे द, द को बड़ी की मात्रा लगी तो बना दी प पकवा की मात्रा लगी तो पा व पहले है बड़ी की मात्रा तो ये बनी ली दीपावली वापिस हम पहले लिखेंगे द, द, द को बड़ी की मात्रा तो बना दी फिर प पकवा की मात्रा तो बना पा व ल, ल को बड़ी की मात्रा लगी तो बना ली दीपावली ऐसे ही कुछ शब्द और है उसका भी हम कैसे उच्चार होता है और कैसे लिखते हैं हम वह सीखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे छोटी की मात्रा फिर हमने लिखा ग तो ये क्या बना गी फिर आया ल ह र, र, को बड़ी की मात्रा तो बना रही गिलहरी पहले छोटी की मात्रा फिर घ तो क्या बनाइए गी ल ह र, र, को बड़ी की मात्रा लगी तो बना रही गिलहरी वापिस एक बार हम और यही शब्द देखेंगे पहले छोटी की मात्रा फिर घ तो बना घी फिर रा, को बड़ी की माता लगी तो री गिल हरी फिर ये कैसे लिखते हैं तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे त क फिर आएगा ल ला, लाकोबड़ी की माता लगी तो बना ली फिर लिखेंगे फ पूरा क्या बना तकलीफ त क ल, ल, को बड़ी की मात्रा लगी तो बना ली फ तो ये क्या बना तकलीफ एक और बात देखेंगे हम त ल, ल, बड़ी की मात्रा लगी तो बना ली फ तकलीफ तो बच्चों आज जो हमने ये चार शब्द देखे हैं अलमारी दीपावली गिलहरी तकलीफ वो तो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करना है और उसको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है और हमारा दूसरा टॉपिक है श्र तक लिखो तो हमें कसे श्रतक के आ के अक्षर हमें उसको अच्छे से बोलना है और उसे लिखना है जैसे से कमल ख से खरगोश घ से गमला घ से घर गर, अंग यानी खाली जैसे से चम्मच जैसे से छाता जैसे जहाज झंडा, अंग यानी खाली तसे टमाटर से ठठेरा से डमरू से ढोलक अड़ग खाली त से तराजू थ से द दसे दवाई से धनुष न से नल पसे पतंग फ से फल बसे बकरी से भवन म से मछली य से यज्ञ रसे रथ ल से लट्टू व से वर्षा श से शरबत स से सटकौन स से सेब ह से हर्ष श से क्षत्रिय त्र से त्रिशूल ज्ञ से ज्ञानी स्र से श्रमिक सो बच्चों ये कसे श्र के अक्षर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे से लिखना है और उसको ओरली बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है थैंक यू